आगरा कृष्णापुरम पर आरब फिल्म प्रोडक्शन हाउस की हुई शुरुआत। इसका शुभारंभ बॉलीवुड अभिनेता शाहबाज खान और अभिनेत्री श्वेता खंडूरी ने फीता काटकर किया। मीडिया से रूबरू होते हुए शाहबाज खान और श्वेता खंडूरी ने अपनी आगामी वेब सीरीज और फिल्म के बारे में मीडिया को बताया। आरव फिल्म प्रोडक्शन के निर्देशक अखिल पराशर ने बताया कि आगरा मंडल के स्थानीय युवा कलाकारों के लिए पहला प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, जहां सिंगिंग, एक्टिंग, एडिटिंग से लेकर फिल्म प्रोडक्शन संबंधित तकनीकी सभी व्यवस्था उपलब्ध है। यहां स्टूडियो में फिल्मी गाने, एड फिल्म, न्यूज रूम, रील आदि की भी सुविधा है। जल्द ही 4 माह और 1 वर्ष के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। सीखे हुए कलाकारों को आगामी हॉरर फिल्म में और आगरा में शूट होने वाली फिल्मों में काम करने का मौका दिया जाएगा। धन्यवाद पिक्स बॉक्स के मयंक द्विवेदी, विवेक शर्मा और सौम्या शर्मा ने दिया। इस अवसर पर पूर्व खेल मंत्री राम सकल गुर्जर, सदर तहसीलदार रजनीश वाजपेयी, जॉय चोपड़ा, नितिन कोहली, राजपाल, विष्णु प्रधान, संतोष चक्र, चंचल उपाध्याय, संदीप मुखरिया, शिल्पी वर्षनेय, जया सिंह, जॉन पॉल, संजीव यादव आदि मौजूद रहे। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए आगरा से मयूर खान की रिपोर्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स होता है, जो ख्यालों की जो अनबन होती है, वो एक नेचुरल चीज है। अभी जैसे मुझे कोई चीज पसंद आ रही है, शायद को आपको कोई पसंद ना आए, आपको लगता है फिल्मों पे असर पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता कि उससे फिल्मों पे, अच्छी फिल्म आएगी चलेगी। पठान आई, अच्छी लगी ऑडियंस को। ऑडियंस भगवान है, जनता भगवान है। अगर ऑडियंस को फिल्म चलानी है तो वो फिल्म चलेगी, भले ही आप उसको कितना भी वो करो। और फिर जहाँ से भी ये इस तरह का शुरू हो रहा था बॉयकॉट, तो मोदी जी ने भी आगे पहल की और उन मोदी जी ने कहा कि भाई सिनेमा के खिलाफ नहीं करो, उससे भी बहुत हेल्प हुई। और शाहरुख ने जिस तरह से पब्लिसाइज किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिल्म अच्छी है, लोगों मतलब कई सालों के बाद ऑडियंस स्टेज पे चढ़ के नाच रही, तो ये एक बहुत। और मैं ये नहीं कहता कि देखिए फिल्म बिजनेस जो है वो किसी एक आदमी का नहीं है, किसी शाहरुख खान का या किसी सलमान खान का, आमिर खान का, अक्षय कुमार का, अजय देवगन का नहीं है, लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं। अगर आप एक फिल्म को बॉयकॉट करते हो तो आप लाखों लोगों की रोजी मारते हो, कईयों का पेट कट जाता है। इसमें जो बॉयकॉट गैंग है उनको ये सोचना चाहिए कि जो फिल्म उद्योग है एक बहुत बड़ा उद्योग है, दुनिया के एंटरटेनमेंट उद्योग में सबसे बड़ा उद्योग हमारे हिंदुस्तान का है। अगर आप एक फिल्म को बॉयकॉट करेंगे तो आप सिर्फ उस फिल्म और उसके हीरो को बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, आप उस फिल्म के साथ जुड़े हुए स्पॉट बॉय, ये वो लाइटमैन, मजदूर जो बेचारा काम किया है उस फिल्म में, उस सबको बॉयकॉट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़, क्यों सर गलत बोल रहा हूँ मैं? सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, एक टीम होती है फिल्म मेकिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि बॉयकॉट करना चाहिए। आपकी जो इष्ट नीति आ रही है जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो फिल्म स्टार्स हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में दखल करते हैं, हाँ, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से, हाँ, इसको आप क्या मानते हैं? राजनीति में दखल तो नहीं, देखिए हर तरह तरह के बयान कभी कई कलाकार देते हैं, कंगना गनावत जैसे कई हैं भाई साहब। ये आपको जैसे मैंने कहा डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना एक बहुत बड़ा पिलर है, हर इंसान को अपने ख्यालात जाहिर करने की आज़ादी होनी चाहिए, और वो हो रही है, उसमें क्या नहीं, लेकिन जिससे समाज को नुकसान पहुंचे ऐसे ख्यालात भी तो नहीं होने चाहिए। नहीं, इस तरह से आजकल रामायण पर बयान चल रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। रामायण पर किसने बयान किया? मुझे कोई आइडिया नहीं भैया, मैं तो रामायण से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अयोध्या की रामलीला में कई सालों से रावण का रोल करता हूँ, जो 26-27 करोड़ लोग पूरी दुनिया में देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला का हिस्सा हूँ, इसलिए हालांकि मैंने कुछ सुना नहीं है जो आप बोल रहे हैं। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर किसने पता नहीं भाई, मुझे तो इस बारे में मैं कॉमेंट भी नहीं करना चाहता। ये अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स होता है, जो ख्यालों की जो अनबन होती है, वो एक नेचुरल चीज़ है।
अभी जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही, शायद को आपको कोई पसंद ना आए, क्या आपको लगता है फिल्मों पर असर पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता कि उससे फिल्मों पर, अच्छी फिल्म आएगी चलेगी। पठान आई, अच्छी लगी ऑडियंस को, ऑडियंस भगवान है, जनता भगवान है। अगर ऑडियंस को फिल्म चलानी है तो वो फिल्म चलेगी, भले ही आप उसको कितना भी वो करो। और फिर जहाँ से भी ये इस तरह का शुरू हो रहा था बॉयकॉट, तो मोदी जी ने भी आगे पहल की और उन मोदी जी ने कहा कि भाई सिनेमा के ख़िलाफ़ नहीं करो, उससे भी बहुत हेल्प हुई। और शाहरुख ने जिस तरह से पब्लिसाइज किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिल्म अच्छी है, लोगों मतलब कई सालों के बाद ऑडियंस स्टेज पे चढ़ के नाच रही, तो ये एक बहुत। और मैं ये नहीं कहता कि देखिए फिल्म बिजनेस जो है वो किसी एक आदमी का नहीं है, किसी शाहरुख खान का या किसी सलमान खान का, आमिर खान का, अक्षय कुमार का, अजय देवगन का नहीं है, लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं। अगर आप एक फिल्म को बॉयकॉट करते हो तो आप लाखों लोगों की रोजी मारते हो, कईयों का पेट कट जाता है। इसमें जो बॉयकॉट गैंग है उनको ये सोचना चाहिए कि जो फिल्म उद्योग है एक बहुत बड़ा उद्योग है, दुनिया के एंटरटेनमेंट उद्योग में सबसे बड़ा उद्योग हमारे हिंदुस्तान का है। अगर आप एक फिल्म को बॉयकॉट करेंगे तो आप सिर्फ उस फिल्म और उसके हीरो को बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, आप उस फिल्म के साथ जुड़े हुए स्पॉट बॉय, ये वो लाइटमैन, मजदूर जो बेचारा काम किया है उस फिल्म में, उस सबको बॉयकॉट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़, क्यों सर गलत बोल रहा हूँ मैं? सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, एक टीम होती है फिल्म मेकिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि बॉयकॉट करना चाहिए। आपकी जो इष्ट नीति आ रही है जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो फिल्म स्टार्स हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में दखल करते हैं, हाँ, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से, हाँ, इसको आप क्या मानते हैं? राजनीति में दखल तो नहीं, देखिए हर तरह तरह के बयान कभी कई कलाकार देते हैं, कंगना गनावत जैसे कई हैं भाई साहब, ये आपको जैसे मैंने कहा डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना एक बहुत बड़ा पिलर है, हर इंसान को अपने ख्यालात जाहिर करने की आज़ादी होनी चाहिए, और वो हो रही है, उसमें क्या नहीं, लेकिन जिससे समाज को नुकसान पहुंचे ऐसे ख्यालात भी तो नहीं होने चाहिए। नहीं, इस तरह से आजकल रामायण पर बयान चल रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। रामायण पर किसने बयान किया? मुझे कोई आइडिया नहीं भैया, मैं तो रामायण से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अयोध्या की रामलीला में कई सालों से रावण का रोल करता हूँ, जो 26-27 करोड़ लोग पूरी दुनिया में देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला का हिस्सा हूँ, इसलिए हालांकि मैंने कुछ सुना नहीं है जो आप बोल रहे हैं रामचरितमानस। अभी रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर किसने पता नहीं भाई, मुझे तो उस बारे में मैं कॉमेंट भी नहीं करना चाहता। श्वेता जी, शर्मा जी लगने के बाद अब दोबारा से आपको दिखाई देने जारी हो गई, किसी का कुछ कहना है क्या बोले आप? शर्मा जी के बाद एक और आ गई थी मेरी वनस्टॉपर लव Z5 में, एंड और भी काफ़ी हैं। अभी मेरा रिसेंट एक सॉन्ग था छमो जो 25 मिलियन कर चुका है। अभी जो मेरी नेक्स्ट रिलीज है वो हस्तनापुर है, पॉलिटिकल बेस्ड है, और एक लव एंगल है जो दूसरी सीरीज है, उसका नाम है दिल्ली वाला दिल। तो दो बहुत डिफरेंट सीरीज हैं जो मेरी अभी आने वाली हैं, इसमें दो बहुत डिफरेंट किरदार हैं। दिल्ली वाला दिल जैसे बोलता है कि दिल की कहानी है, और हस्तनापुर पूरा पॉलिटिकल बेस्ड है, तो ये दो अभी आने वाले हैं, एंड दैट्स अबाउट इट राइट नाउ। पॉलिटिकल बेस आपकी फिल्म आ रही है, आप खुद स्पोर्ट्स और एनिमल लवर हैं, हाँ जी, तो ऐसे में किरदार निभाने में क्या क्या? नहीं, किरदार हम एक एक्टर हैं, और जितना डिफरेंट किरदार हमें प्ले करने के लिए मिलेगा उतना हम करेंगे, और यही एक खूबी है हमारे प्रोफेशन में कि चाहे आप वो हो रियल लाइफ में नहीं हो, आपको अलग अलग किरदार मिलते हैं प्ले करने के लिए। सो डेफिनेटली होमवर्क होता है, बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अलग अलग किरदार ही मिले ताकि मैं अपने यू नो एक्टिंग टैलेंट को और दिखा सकूँ सबको। आई थिंक आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे साथ जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है या जिनसे भी मैं मिली हूँ,
वो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छे हैं, कट टू कट अपने काम से काम मतलब रखते हैं, काम करते हैं और अपने घर जाते हैं. सो आई वुड रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग एनीथिंग ऑन दैट, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है. मैं किसी और के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कुछ बोल नहीं सकती उसमें. इस समय बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ उनके लिए नए कलाकारों को मैं यही बोलूंगा कि भाई सिक्स पैक बनाने से कोई हीरो नहीं बनता है. ये एक साधना है. जिस तरह से आप गाना सीखते हैं या जिस तरह से आप पेंटिंग सीखते हैं या उसी तरह से एक्टिंग भी आपको सीखने से आती है. एक साधना है, एक क्राफ्ट है, एक एजुकेशन है. देखा जाए आपको अगर विलन का ही रोल मिलता है कि रियल लाइफ में भी विलन का ही रोल रहता है कि आपका? अरे भाई मेरे, अभी मैं आपको विलन लग रहा हूँ या बैठ के इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे बातें आपको कर रहा हूँ, आपको मेरी बातें ही इंग्लिश लग रही है. हाँ विलन का रोल, मैं आया तो हीरो बन के था, फिर मैं नहीं छी. किस तरीके नहीं, पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये खाली के इंस्टीट्यूट नहीं है, ये पूरा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पूरा पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर के और प्री प्रोडक्शन तक पूरा कंप्लीट हो या काम होने वाला है. क्योंकि हम लोग मुंबई जब जाते हैं तो काफ़ी खर्चा आता है, कुछ भी छोटा मोटा बना रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म बनाने वाले हैं, तो वहाँ जो पोस्ट प्रोडक्शन का जो खर्चा आता है ना, वो बचाने के लिए अगर आगरा में कोई ऐसी संस्था बनती है और वो सारी फैसिलिटी यहाँ लेकर के आती हैं, तो वो पैसा बचेगा, टाइम बचेगा. और आगरा तो वैसे ही पूरा यूपी जो इस समय माहौल है या जो फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का पूरा इंतजाम किया गया, अब तो आने वाले समय में ओटीटी पर भी, वेब सीरीज पर भी सब्सिडी मिलने वाली तरफ से सरकार में, तो बाहर से काफ़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर रहे हैं फिल्म बनाने के लिए, शूटिंग करने के लिए. तो उनको अगर यहाँ वो सुविधाएँ मिल सकती हैं जो बॉम्बे में हैं या साउथ में हैं, तो उसी उद्देश्य से एक प्रोडक्शन हाउस का निर्माण कर रहा हूँ मैं यहाँ. और अच्छे आर्टिस्टों के लिए भी ये इंस्टीट्यूट आर्टिस्टों को ट्रेनिंग करेगा, और वो ट्रेनिंग सिर्फ एक एक्टिंग सीखने के लिए नहीं, वो पूरी फिल्म बनाने की ट्रेनिंग होगी कि फिल्म बनती किस तरीके से है, कि एक्टर को किस तरीके से काम करना है, राइटिंग अगर कोई स्टोरी होती है उस पर किस तरीके से काम करना. तो पूरा एक छत के नीचे हम सारी सुविधाएँ देने वाले हैं. और मैं बधाई देता हूँ अखिल पारा सर को, उनके सभी सहयोगियों को, कि जैसा कि आपको बताया कि एक छत के नीचे जो बॉम्बे में जिन कलाकारों को, छोटे मोटे कलाकारों को जिनके अंदर टैलेंट था, वो टैलेंट आगे आ नहीं पाता था, वो आगरा में रहते थे, आसपास क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, उनको अपने टैलेंट को आगे लाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था की है. इसलिए मैं इनके सहयोगी को सबको बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर आगे चले हैं उस उद्देश्य अपने सफल हों. साथ ही साथ में जो बॉम्बे से कलाकार आए हैं, अरबाज खान जी और सीता जी, सॉरी शहबाज खान जी और श्वेता जी, उनके तमाम सहयोग के अभी आगरा के होने के नाते इनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ.